बात करते हैं ग्वालियर की, जहां आधी रात कट्टा कमर पर लगाकर गर्लफ्रेंड और उसकी सहेली को घुमा रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। लड़कियों के साथ घूम रहे युवक को जब घर जाने की समझाइश दी तो वह बहस करने लगा, तभी उसकी कमर पर कट्टा लगा दिखा। पुलिस ने बदमाश को निगरानी में लेकर लड़कियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है कि वह किस मंशा से शहर में घूम रहा था। गोला का मंदिर थाना प्रभारी मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि रात ASI महेंद्र सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक पूरन सिंह, आरक्षक महावीर विष्णु, चंद्रशेखर मेला ग्राउंड के पास गश्त कर रहे थे। जब वह गश्त करते हुए सूर्य नमस्कार तिराहा पर पहुंचे तो दो युवती व एक युवक टहलते दिखे। रात के समय युवक व युवती को देखते ही वह उन्हें समझाइश देने पहुंचे तो युवक पुलिस से उलझ गया, क्योंकि वह नशे में था। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब युवक नहीं समझा बल्कि पुलिस जवानों से उल्टी भाषा में बोलने लगा, इसी बीच पुलिस कर्मियों की नजर युवक की कमर पर गई तो उन्हें हथियार लगा महसूस हुआ तो पुलिस जवानों ने उसे पकड़ा और कमर से कट्टा बरामद कर लिया है। कट्टा बरामद होने पर पुलिस उन्हें थाने ले आई और युवतियों को उनके परिजन की सुपुर्दगी में देकर पकड़े गए बदमाश सोनू उर्फ जयभान पुत्र भगवान गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाश के बारे में पता लगा रही है कि वह किस मंशा से कट्टा लगाकर लड़कियों के साथ ऐसे रास्ते पर घूम रहा था जो सुनसान रहता है। अक्सर वहां दिन के समय वारदात हो जाती है, यह तो रात का समय था। पुलिस आरोपी का बैकग्राउंड भी निकाल रही है। ASP क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि एक युवक को कट्टा के साथ रात में घूमते हुए पकड़ा गया है, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है। पूछताछ जारी है कि वह किस मंशा से यहां घूम रहा था। शहर में चेकिंग लगाई गई और रात को तकरीबन 12 बजे के करीब सूर्य नमस्कार तिराहे पर भी चेकिंग लगाई गई थी, तो वहां पर एक व्यक्ति को पकड़ा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से कट्टा मिला है और उसे जब पूछताछ की गई तो संदिग्ध था, तो तत्काल उसका मतलब थाने ले जाकर उससे और पूछताछ की गई रियासत में लेकर, और उसमें 25/27 को यह कट्टा मिला था। 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। यह थाना गोले मंदिर क्षेत्र का रहने वाला है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।